guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. लबासना, वो दुनिया जहां हर आईएएस एस्पिरेंट पहुंचना चाहता है, वो जन्नत धरती पर, वो स्वर्ग, वो पावर कॉरिडोर जिसकी हम आप सभी कल्पना करते हैं। लबासना का वो गेट जिसको पार करने के लिए हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट अपनी जान झोंक देता है। आइए इस सफर को हम अपनी आंखों से देखते हैं। कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितनी क्रिएटिव ये दुनिया है। ये पावर कॉरिडोर जहां आप पहुंचने का सपना देखते हैं और जहां पहुंचकर आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। शीलम परम भूषणम, ये शब्द हर आईएएस एस्पिरेंट के दिलो दिमाग में छाया रहता है। इस जगह पहुंचने के लिए, इस ध्येय वाक्य को अपनी लाइफ में लाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। बहुत ही खूबसूरत सफर है दोस्तों। और जब आप हॉस्टल से निकलते हुए इस खूबसूरत मीडोज की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टर बंगले की तरफ बढ़ते हैं, एक एक कदम सफर का एक एक हिस्सा बहुत रोमांचित कर देता है। वो खूबसूरत काली लकड़ी से बना हुआ बेहतरीन आर्किटेक्चर जहां बैठते हैं लबासना के डायरेक्टर, सामने एक बहुत खूबसूरत हरी घास का मैदान और दूर पहाड़ियां, ऐसा लगता है कि यहाँ पहुंचने के बाद अब आसमां सिर्फ एक कदम दूर है। ये हाथ बढ़ाने के बाद हम उसे पाकर ही रहेंगे। यहाँ की आबो हवा में वो क्रिएटिविटी है, वो पावर है, वो आत्मविश्वास है जो लगता है कि हम दुनिया को अपनी इस इमेज, अपनी इस पावर को दिखा पाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं और कैंटीन की तरफ जाते हैं, ये है वो कैंटीन जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं। ये वो कैंटीन जहां देश का रचनात्मक दिमाग बैठकर भोजन करता है, अपने पल शेयर करता है, अपने एकेडमिक्स अनुभवों को शेयर करता है। ये वो कैंटीन है जहां पर खाना खाना एक नसीब की बात मानी जाती है। वो पावर कॉरिडोर होने को तो वो दाल रोटी ही होगी, लेकिन वहां पर बैठे हुए लोग बहुत खास होते हैं। सुख सुविधाओं से भरी है ये दुनिया, ये लबासना है, ये वो पावर कॉरिडोर है जो आपको समाज के लिए करने के लिए बहुत कुछ देता है। चाहे वो इनका बिलियर्ड रूम हो, इनका रेस्ट रूम हो, सब कुछ अद्भुत है। और इस अद्भुत क्षणों को हमने अपनी आंखों से देखा, जिया कि कैसे यहाँ आने वाले भावी ऑफिसर्स तैयार होते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ इनके लिए कितना मैजेस्टिक है। आप ऑडिटोरियम को देखिए, यही वो ऑडिटोरियम है जहाँ कुछ समय बाद इन कुर्सियों पर जैसे आज हम बैठे हैं वैसे आप बैठे होंगे, आप इसका हिस्सा होंगे, आप इस मंच पर खड़े होंगे। ये वो मंच है जो आपके पर्सनल को निखारता है। आप अपने अंदर के टैलेंट को यहाँ पर शो करेंगे, चाहे वो डांस हो, आपके स्टेट का कल्चर हो, वो सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन इस मंच पर पहुंचने के लिए बेतहाशा लगातार मेहनत करनी होगी। आज जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, इस तस्वीर में खुद को देखिए कि आप यहाँ खड़े होंगे। और जो सबसे अद्भुत है वो है ये फाउंडेशन बैच की ग्रुप फोटो। ये दीवार जहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारे फोटोज, ये इतिहास में दर्ज फोटोज हैं, ये इतिहास में दर्ज नाम है। अब ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी होने जा रहे हैं। ये फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा है। अगर आप कोई सपना देखो कि तस्वीर आपकी कहीं लगी हो तो इस दीवार पर लगी हो। ये आपको अद्भुत क्षण प्रदान करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपकी फोटो यहाँ पर होगी, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ होगी और आप भी इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखाओगे। अगर आप इसके चारों तरफ नजर डालो तो क्या अद्भुत ताकत, क्या अद्भुत क्रिएटिविटी, क्या अद्भुत क्षमताएं हमारे साथ होती हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी आपकी तरफ बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से होते हैं, ये जो आज इस हॉस्टल में सब जमा है, कल यहाँ आप भी खड़े होंगे, कल आप यहाँ पहुंचेंगे और एक खास जिंदगी, एक पावरफुल जिंदगी, एक क्रिएटिव जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। आपके नाम के साथ भी भारतीय प्रशासनिक सेवा लगा होगा और डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। अपने माता पिता के लिए जो गौरव के क्षण है वो प्रस्तुत करेंगे और दुनिया को बता पाएंगे कि आप कौन हैं और आपकी हैसियत क्या है।